हेलो गाइज, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे और दो मंत्रियों को लेकर अभी अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है। और ये जो अपडेट दी गई है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दी गई है। जैसा गाइज आप सबको पता है कि देवेंद्र फडणवीस काफ़ी टाइम से जो है शिवसेना के पीछे लगे हुए हैं और वो उनकी तरफ से एक एक करके बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। अभी जो एक बड़ी अपडेट आ रही है वो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर एक स्टोरी वायरल हो रही है और साथ में ही इसको जो है काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी एक अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 2 जुलाई 2020 को 10 DCB 10 DCB का जो है ट्रांसफर करने का जो है ऑर्डर दिया गया है, वो भी परमवीर सिंह के अंडर में। परमवीर सिंह ने अपने गृह मंत्री से बात करके, जो अनिल देशमुख हैं उनसे बात करके 10 लोगों का 10 DCB का ट्रांसफर ऑर्डर किया। लेकिन उस ट्रांसफर ऑर्डर का जैसे ही अनिल परब को, जो कि अनिल परब जो कि एक शिवसेना के बड़े नेता हैं, उनको पता चला तो उन्होंने जो है सीएम उद्धव ठाकरे को बताया। इस बात का नॉलेज जो है सीएम उद्धव ठाकरे को नहीं था, ना ही परमवीर सिंह ने बताया था, ना ही अनिल देशमुख ने। जैसे ही उद्धव ठाकरे को इस पर बात पता चली, उन्होंने तुरंत जो है इस ऑर्डर पर रोक लगवा दी और उनका किसी का भी ट्रांसफर नहीं किया गया। उसके बाद जो है 5 से 6 जुलाई के बीच में इन दो के दोनों नेताओं को पता चल चुका था कि अभी जितनी भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जब तक उद्धव ठाकरे से बात नहीं होती तब तक कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एनसीपी के जो मेन हेड हैं शरद पवार ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने उद्धव ठाकरे से मीटिंग किया और उन्होंने बात किया इससे रिलेटेड सारा का सारा। और 6 तारीख को दो के दोनों लोगों ने एक फैसला लिया जिसमें बताया गया कि अभी से जितने भी पुलिस ट्रांसफ़र, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में जितना भी ट्रांसफ़र होगा, वो दो की दोनों पार्टियां आपस में मिलकर देखेंगी। और जो शिवसेना की तरफ से जो मंत्री रहेंगे वो देखेंगे अनिल परब, और जो एनसीपी की तरफ से जो पुलिस डिपार्टमेंट को पूरी के पूरा देखेगा वो अनिल देशमुख को। दो को दोनों लोगों को नियुक्त किया गया। उसके बाद 10 तारीख को इन सब के सब लोगों का जिसका 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 नाम आया था उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि इलीगल तरीके से बताया जा रहा है। तो अभी एक चीज़ ये भी अपडेट आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने ये सारी चीज़ों का जो अपडेट है एक पेन ड्राइव है जो उसमें सारे के सारे एविडेंस जो है उन्होंने इकट्ठा किया है और उस पेन ड्राइव को जो है अमित शाह तक पहुंचा दिया गया है, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं उन तक ये सारे के सारे एविडेंस पहुँचा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि इस पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें दो मंत्री उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह को लेकर काफ़ी बड़ा खुलासा किया जा रहा है और ये जो स्टोरी है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि इसमें कितनी परसेंट सच्चाई है, लेकिन वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि ये स्टोरी सच है या झूठी है, या तो हाईकोर्ट के ऊपर है कि वो इस पर क्या डिसीजन लेती है। आने वाले टाइम पे ही कंफर्म हो जाएगा कि आखिरकार किसने सही बोला है और कौन झूठ है। गाइस आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।